इसी कड़ी में अगर बात रादौर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां से चुनाव लड़ रहे मंत्री व भाजपा प्रत्याशी करणदेव कंबोज का कहना है कि कांग्रेस राज्य में आए दिन घोटाले होते थे। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चल रहे हैं। बड़े कांग्रेसी बेल पर हैं जो जल्द ही जेल में होंगे। भाजपा नेताओं ने हरियाणा में राज की परिभाषा बदली है। प्रदेश की जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ फिर मौका देने जा रही है। साथ ही मंत्री कंबोज ने यह भी कहा कि मारे सपनों का हरियाणा घोषणा पत्र में किसानों की आय दुगनी करने, लाखों युवाओं को कौशल सिखाने के साथ साथ सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है। तो आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखने का काम किया। तो ऐसे उस महापुरुष को मैं सत्सत नमन करता हूं। और आज क्योंकि ये चुनावी दौर है, आज इस चुनावी दौर में हमारा लगभग 1.5 दर्जन गाँव का दौरा है। आज का जो ग्रामीण एरिया का दौरा करने के बाद अब ये शहर की कुछ कॉलोनियों का आज कार्यक्रम है। जो कॉलोनियाँ बिल्कुल जो है ना पिछड़ी हुई कॉलोनियाँ थी, उनमें सभी प्रकार की समस्याएं थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज लोगों को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इन कॉलोनियों के अंदर काम करवा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत भी कर रखी है। अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ सीवरेज की लाइन बचाई गई है, यहाँ पीने के पानी की लाइन बचाई गई है। अपने सभी हल्का वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो राष्ट्र हित में और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो वोट करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिस देश के अंदर कोई भूखा न रहे, जिस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो, ऐसा कोई नौजवान न रहे जिसके हाथ को काम नहीं मिले। तो इस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।